हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सज्जन। इस वीडियो में आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये डकबंगला चौराहे का है। आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में ये भीड़ जो है सो माता के दर्शन के लिए आए हैं, माता के पंडाल को देखने आए हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हुए माता का पूजा अर्चना करने आए हैं। तो ये डकबंगला चौराहा है, आप इसकी पंडाल को देख सकते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है, इसका लाइटिंग भी आपको देखने लायक है और इसका हाइट भी काफ़ी ऊंचा किया गया है। तो देख सकते हैं ये खूबसूरत पंडाल डकबंगला चौराहा का है, जो देवी की ये प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है। और आप यहाँ पर उसी मात्रा में जो है सो ऑलरेडी भीड़ भी देख चुके हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक जगह रुक नहीं सकते, आप चलते फिरते रह सकते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ देख ही नहीं पाएंगे। और ये देखिए, देवी जी की प्रतिमा का आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो डकबंगला चौराहा से बनाया गया था। और फिर आगे देखिए, इस वीडियो में और भी आपको बहुत सारे जगह का वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आइए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कदम कुआं पटना का जो है सो दुर्गा पूजा को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ का पंडाल और प्रतिमा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं सामने कि ये जो है सो कदम कुआं में ये मंदिर प्रतिमा बनाया गया है, जो बाहुबली मूवी के माहिष्मती साम्राज्य के तौर पे बनाया गया है। इसकी खूबसूरती देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया गया है, इसमें बेहतरीन कारीगरी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये पटना का सबसे बेहतरीन पंडाल में से एक है, क्योंकि यह पंडाल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत भी बनाया गया है। और देख सकते हैं इसमें माता का प्रतिमा भी जो है सो अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है, जो काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे किसी को देखने में भी कोई कठिनाई नहीं हो। और इसमें सजावट को भी देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीन तरीके से इसका सजावट भी किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम कदम कुआँ पटना का देखें और इस वीडियो में हम लोग कदम कुआँ पटना में बने पंडाल को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। ये चूड़ी मार्केट के जस्ट बगल में ही ये बनाया गया है, तो अगर आप देखने जाना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती आपको ज़बरदस्त देखने को लग रही है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु का भीड़ भी यहाँ बार बार आते जाते दिख रहे हैं, लोग बहुत मात्रा में भीड़ यहाँ लगी हुई है। और माता का सुंदर प्रतिमा भी आप यहाँ देख सकते हैं, किस तरीके से खूबसूरती से बनाया गया है। बाकी मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पंडाल विक्टोरिया मेमोरियल बोरिंग रोड चौराहे पे बनाया गया है। ये 3D पंडाल बनाया गया है, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती वाकई में इसको लाइटिंग के साथ जब देखते हैं तो काफ़ी ही खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये माता का प्रतिमा भी इतना ही खूबसूरत रूप से बनाया गया है। तो आप इस वीडियो में इसका खूबसूरती बखूबी देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जय माता दी।